वेल यार सॉरी गाइस, मैं इतने दिनों से लापता था तो आज मैं आ चुका हूँ। वेल तो हे गाइस, तो वेलकम टू द वीडियो जॉन सीना रिटर्न इन WWE। तो इसके बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जॉन सीना का रिटर्न हो सकता है, जो कि कभी भी हो सकता है इस साल में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। पॉसिबली वो रेसलमेनिया में भी रिटर्न हो सकता है या फिर रॉयल रंबल में भी हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। हाँ, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्योंकि ऐसी कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि वो रॉयल रंबल में भी रिटर्न कर सकते हैं। तो मे बी वो भी हो सकता है क्योंकि हमें जॉन सीना का मतलब हाल ही में हिंट देखने को मिला है, जो कि हमें WWE की तरफ से एक रेसलमेनिया का हमें अनाउंसमेंट देखने को मिला, जो कि हाँ रेसलमेनिया का अनाउंसमेंट देखने को मिला। 3 रेसलमेनिया अनाउंस हो चुकी है कि मतलब जो अभी इस टाइम पे हॉलीवुड का रेसलमेनिया होने वाला था वो 3 साल बाद चला गया, जो कि इंटरेस्टिंग होगा। बट आई थिंक मतलब बैड ही था, जो कि सिचुएशन ही बैड चल रही, तो वो बैड थिंग होनी ही थी। तो नाउ कि अभी इंटरेस्टिंग थिंग हम बात कर रहे हैं कि जॉन सीना के बारे में क्या रिटर्न वो कर सकते हैं WWE में। तो नाउ ये पॉसिबिलिटी तो अब हो चुकी है क्योंकि जो लास्ट का अनाउंसमेंट था जो कि हॉलीवुड का रेसलमेनिया का, वो किया था जॉन सीना ने। एंड नाउ बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग हमें देखने को मिल सकता है कि इस बार के भी रेसलमेनिया में हमें जॉन सीना का रिटर्न देखने को मिले और किसी के साथ हमें मैच देखने को मिले। वेल हमने हर बार देखा कि जॉन सीना कहीं ना कहीं से वो रेसलमेनिया में आ जाते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग थिंग होता है। और ये ऐसा पहला शो था कि जिसमें मतलब जॉन सीना को अपीयर किया गया, जो कि हमें देखने को मिला था रेसलमेनिया के अनाउंसमेंट में। तो नाउ कि वहाँ से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारे मतलब रूमर्स निकल के आ चुके हैं कि जॉन सीना का हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है, जो कि रॉयल रंबल में भी हो सकता है, रेसलमेनिया में भी हो सकता है। एंड आई एम एग्री विद दिस। एंड यार ये हो सकता है क्योंकि रॉयल रंबल में अगर रिटर्न कर सकते हैं तो बहुत ही मतलब सरप्राइज एंट्री हो सकती है उनकी भी। तो जॉन सीना का रिटर्न हमें देखने को मिलेगा तो वो भी रॉयल रंबल में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। एंड नाउ इसके बाद तो हमें देखने को मिल सकता है कि हमें रेसलमेनिया में इनके साथ किसी का फ्यूड स्टार्ट हो जाए, जो कि वो भी इंटरेस्टिंग होगा, जो कि हमने पिछले साल देखा था, जो कि हमें फिंड के साथ मैच देखने को मिला था, और इसके पहले हमें देखने को मिला था जो कि एक अपीयरेंस था डॉक्टर ऑफ थगनॉमिक्स में, जो कि इंटरेस्टिंग वो सब थिंग थी। तो इस बार के में रेसलमेनिया में जॉन सीना हमें क्या करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा हमें इस बारे में देखना। तो ना WWE उनके साथ क्या करती है क्या नहीं करती है, तो अभी यहाँ आगे हमें देखने को मिल सकता है। तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी रिटर्न हो सकता है जॉन सीना का, एंड जो कि हमें कभी भी देखने को मिल सकता है। एंड वो रेसलमेनिया का जो सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो इस बीच में हमें रेसलमेनिया में कभी भी मतलब रेसलमेनिया में भी रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं या फिर उसके पहले भी हमें रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये है कि WWE ने रिटर्न कराना ही है इस बार जॉन सीना। एंड वेल तो उसके बाद देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि जॉन सीना को किस फ्यूड और किस स्टोरी लाइन में डाला जाता है एंड किसके साथ डाला जाता है, एंड जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। सुनाओ ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे बताओ कैसा लगता है वीडियो, तो फिर कमेंट भी करके बताओ। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय बाय गाइस। और वीडियो सभी जल्दी आने वाली हैं, तो अभी वीडियो इस चैनल पे तो रेगुलरली होने वाली है। आई एम सॉरी इतने दिन से मैं कहाँ घूम गया था।